मैंने उस दिन एक और घोषणा की थी, सोनीपत से ही की थी। मैंने कहा था कि जिन गांव के अंदर अगर जमीन नहीं है और वो प्लाट लेना चाहते हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जिनको 100 गज के प्लाट की आवश्यकता है, तो हमने तुरंत इसकी रचना योजना बनाई और उस दिन हमने जो शेष लोग बचे थे उन सब लोगों के लिए ये बात कही थी कि उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि वो अपना प्लाट ले सके। उसके लिए हमने डेट भी तय कर दी है, एक किसी प्रकार का कार्यक्रम उसका आयोजन करके उनके खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता न रहे कि उसे अपने प्लाट के ऊपर मकान बना सके। और उसको लेकर के हमने ये भी कहा है अधिकारियों को कि अगर कोई कुछ लोग और छूट गए हैं या कुछ और लोग जो नए उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, हमने उसके लिए भी कहा है कि आप पोर्टल बना दें, अगर कोई बेनिफिशरी है, कोई लाभ लेना चाहता है तो उसके अंदर अप्लाई करेगा, हमारी सरकार उस तक लाभ पहुंचाने का काम वो निरंतर जारी रखेगी। मुझे यह भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने जो दूसरी योजना शुरू की, मैंने दूसरी योजना अंबाला से शुरू की, करनाल से दूसरी योजना शुरू की और करनाल के अंदर हमने निर्णय किया, हमारी सरकार ने एक हैप्पी कार्ड दिया, हरियाणा परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना हैप्पी कार्ड हमने दिया। और उसका ध्येय यह था कि जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है उसने बाजार में भी जाना है, उसने कहीं रिश्तेदारी में भी जाना है, उसने कहीं अपने रिश्तेदारी में शादी में भी जाना है, उसने कहीं दवाई लेने के लिए भी जाना है। उस हैप्पी कार्ड के माध्यम से हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवारों को हमने ये कार्ड दिया और ऐसे ये परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे जिनको हमने 84 लाख लोगों को ये कार्ड देने का काम किया। लगातार हमारी सरकार उन तक ये कार्ड पहुंचाने का काम कर रही है और ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि वो व्यक्ति उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई भी पैसा किराए के लिए नहीं लगेगा, ये सुविधा। हमने तीसरा योजना जो शुरू की है, हमने तीसरी योजना ये शुरू की है हर घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना का शुभारंभ किया है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उसके लिए हमने उसको ऑनलाइन खोल दिया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है वो परिवार उसमें एंटर कर सकता है, उस योजना का लाभ ले सकता है। और हमने उस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो उस सोलर पैनल के ऊपर खर्चा आएगा वो खर्चा 1,10,000 रुपए का आएगा और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी देगा, 50,000 रुपया मैं दूंगा, किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं लगेगा और उसके घर के ऊपर वो सोलर पैनल लग जाएगा। और जो हमने कहा है, जो ये योजना बनी है कि उसका बिजली का बिल वो जीरो हो जाएगा
उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और जितनी बिजली बचेगी, जितनी बिजली बचेगी उसको सरकार खरीदेगी और उस बिजली का पैसा भी उस परिवार को मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा। इस सरकार को हमने, इस योजना को हमने गरीब के साथ जोड़ने का काम किया। परंतु भाइयों, भाइयों मुझे ये बताते हुए भी, क्योंकि आज मैं ऐसी भूमि के ऊपर हूं, ये रोहतक की ऐतिहासिक भूमि है, लोगों के बीच में एक बात को मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग के लोग, मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं, उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम इसको हाई कोर्ट के अंदर दोबारा फिर रिपील के अंदर जाएंगे, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो विधानसभा के अंदर कानून बना करके गरीब व्यक्ति को 5 नंबर देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। अरे ये तो पहली बार हुआ है कि आज गरीब को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तो गरीब व्यक्ति भाइयों ये सोच भी नहीं सकता था भाइयों वो गैस का सिलेंडर देने का काम करेगी। और रीजनल दाम के ऊपर मैंने अधिकारियों को कहा है कि इसके ऊपर आप पूरी योजना आप बना लीजिए, और बना करके हमारा ध्येय है कि गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहिए। और मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में, ये हमारी सरकार थी मनोहर लाल जी, मैं देखता था किसी भी जनसभा के अंदर अगर वो जाते थे और जनसभा में जाकर के एक बात बोलते थे कि कोई माता बहन भाई जिसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है वो हाथ खड़ा करे, ये पूछते थे। और अगर कोई माता बहन हाथ खड़ा कर लेती थी, आदेश देते थे, डीसी महोदया को बोलते थे कि 24 घंटे में इसके घर में गैस का कनेक्शन सिलेंडर चला जाए, नहीं तो 24 घंटे के बाद उसको कहते थे उसके घर से उठा लाना। ये हमारी सरकार का भाइयों काम करने का तरीका था। हरियाणा के अंदर भी ये आंकड़ों का खेल होता है, आज भी हरियाणा के अंदर हमारा वोट परसेंटेज वो कांग्रेस से ज्यादा है, हमारा वोट कांग्रेस से ज्यादा है, आंकड़ों का खेल हो जाता है, कई बार वोट परसेंट भी ज्यादा होता है, और जब आमने सामने की कोई टक्कर हो जाती है उसके अंदर इनकी सीटें कुछ निकल आई, ये राजनीति में होता है। और जब राजनीति में होता है तो इन्होंने तो इस प्रकार का सोच लिया कि बस मैं तो चंडीगढ़ बैठे सपने देख रहा, चिंता मत करिए हुड्डा साहब, ये आपको मैं बताना भी चाहता हूं, आज हरियाणा के अंदर 11 इलेक्शन हुए थे, 11 एक विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ था। पसंद का भले छोटा घर हो लेकिन अपना कहने का घर होगा, अपना एक आवास होगा, और ऐसे आवास के निर्माण का मार्ग इस रूप में प्रशस्त हो रहा है। आज 15,250 ऐसे लाभार्थियों को आवंटन पत्र प्रदान किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब ये इसके लिए एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र मंगवाए गए, आवेदन ऑनलाइन मंगवाए गए थे, और सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हुई हैं, बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुई हैं, जहां किसी की सिफारिश नहीं, जहां किसी की सिफारिश या किसी तरह से कोई भ्रष्ट रास्ता अपनाकर कुछ उसमें लीकेज कर पाए, इस बात की कोई आशंका संभावना जिसमें ना रही हो, ऐसी सुशासन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनी है, जहां सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ साफ सुथरा है, सब कुछ आपके सामने है, और अगर कहीं कोई कमी दिखती है और आप उसको लाते हैं सामने तो मुख्यमंत्री महोदय, तो ये इनके लिए बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसका शुभारंभ रोहतक के इस पावन धरा पर हुआ है, और रोहतक से जिस तरह से रोहतक के लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन उद्बोधन और उनके संकेतों को इस बात को लेकर उसको आत्मसात करते हुए यहां से वो जाएंगे, तो भविष्य में भी इसी रूप में उनका समर्थन मिलेगा, डबल इंजन की सरकार यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। जुलाना के बाद
हमारे रिवाड़ी से जो लाभार्थी हैं, कमलेश हैं, सुनीता देवी, मनीष कुमार और उषा रानी, चार लाभार्थी जो कि हमारे रिवाड़ी से हैं, उन्हें आमंत्रित